पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद जनपद की थाना डिलारी पुलिस ने एक अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मार कर कार्रवाई करते हुए दो हिस्ट्री सीटर सगे भाइयों को गिरफ्तार करके उनके पास से कई अवैध तमंचे और भारी मात्रा में तमंचा बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग उत्तराखंड और आसपास के जनपदों में अवैध हथियार सप्लाई करने का काम करते थे। दरअसल मुरादाबाद पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जनपद के डिलारी इलाके में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस द्वारा छापेमारी की गई तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने डिलारी थाना इलाके के फरीदपुर हाजी के दो हिस्ट्री सीटर भाइयों महमूद और मिक्की सैफी नाम के आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने कई बने हुए तमंचे और कुछ अधबने तमंचों के साथ साथ हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद मुरादाबाद पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था अवैध शस्त्र और तमंचा बनाने वालों के विरुद्ध। इस अभियान के अंतर्गत आज मुरादाबाद के डिलारी थाना थाना एस एच थाना जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा आज जो सुबह अभियान चलाया जा रहा था उसमें दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए और दो व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो उनकी तलाशी ली गई तो उनसे तमंचे बरामद हुए। तब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस तरह के शस्त्र बनाए जाते हैं अवैध तमंचे। तो फिर जब इनकी निशानदेही पर जब हम गए तो वहाँ पे पूरी फैक्ट्री इसको शस्त्र तमंचा बनाने की बरामद हुई और उसके अंतर्गत हमें दो तमंचे 12 बोर, एक तमंचा 12 बोर, एक अर्धनिर्मित 12 बोर तमंचा बरामद हुआ। उसके साथ ही जो ये तमंचे बनाए जाते हैं उसके उपकरण भी सारे मिले। और इन जो दो व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए उसका नाम है महमूद और एक का नाम है मिक्की। दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं और इनके पिता का नाम अब्दुल वारिफ है। ये फरीदपुर हाजी थाना डिलारी के रहने वाले हैं। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है जो महमूद है इस पर ऑलरेडी 14 मुकदमे दर्ज हैं और ये कई ज़्यादातर मुकदमे इसे आर्म्स एक्ट में हैं। इसके छोटे भाई मिक्की में भी 6 मुकदमे दर्ज हैं और इनकी HS भी खुली हुई है और ये गैंगस्टर में भी पहले जेल जा चुके हैं। सर और भी कोई साथी हैं? हाँ, इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो पिछले महीने ठाकुर द्वारा में जो विशाल एकोन कोटी जो वाल्मीकि थे उनकी जो गोली से जिनकी डेथ हुई थी तो इन्होंने स्वीकार किया कि उसमें जो बिलाल था और जो राजू था उसको इन्होंने ही तमंचा प्रोवाइड करवाया था। इनके पास ही आए थे तमंचा लेने और इन्होंने ये भी बताया जो इसमें एक राजू नाम का व्यक्ति था वो इनके जो आर्म्स बनाते थे ये उसकी वो सप्लाई करता था। उसके अलावा इनका ये भी कहना है कि ऑन डिमांड पर ये तमंचे बनाया करते थे और अब तक करीब 200 से 250 ये तमंचे बनाकर सप्लाई कर चुके हैं। और मेन इनका जो मार्केट था वो उत्तराखंड जो ठाकुर द्वारा सर्किल का जो बॉर्डर लगा हुआ है उस एरिया में, उसके अलावा मुरादाबाद जिले में ये सप्लाई किया करते थे। सर कब से ये कर रहे हैं? कितने समय से ये लोग ये काम कर रहे हैं? ये करीब इनको काफ़ी लंबा समय हो गया है क्योंकि इन पे जो मुकदमों की संख्या दिख रही है उस हिसाब से ये काफ़ी 8-9 साल से इस काम में एक्टिव थे। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली डिलारी पुलिस को, तो इसमें इनको अरेस्टिंग हुई और पूरी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और बहुत अच्छा वर्क करा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।